हाय, मैं हूं जतेंद्र पाल सिंह और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वर्डप्रेस के अंदर यूज़र सेक्शन के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस यूज़र सेक्शन से हम अपने वेबसाइट के यूज़र्स को मैनेज करते हैं। यूज़र्स को मैनेज करने से मेरा मतलब ये है कोई न्यू यूज़र ऐड करना या किसी एग्जिस्टिंग यूज़र को एडिट करना या उसे डिलीट करना। तो ये सारी चीज़ें हम अपने यूज़र सेक्शन से मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज़र्स क्यों क्रिएट करते हैं, तो उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस वेबसाइट को मैनेज करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, लेकिन अब इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, मान लीजिए मैं कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ, या मेरे पास कोई और प्रोजेक्ट आ चुका है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो मुझे टाइम पर सबमिट करना है, या मैंने कोई एक पर्सन हायर करके रखा है जो मेरे लिए काम करता है और मैं उसे पे करता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट इम्पोर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि इस पर भी डेली पोस्ट होते रहें। तो उसका सलूशन ये है कि मैं अपनी इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए एक अकाउंट क्रिएट कर दूँ, जिसको यूज़ करके वो पर्सन जिसे मैं पे कर रहा हूँ वो मेरे लिए काम कर सके। तो अब मैं उस यूज़र के लिए एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट करने से मतलब ये है कि न्यू यूज़र क्रिएट करना। तो हम न्यू यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं? अपने एडमिन पैनल में जाकर यूज़र सेक्शन के अंदर ये ऐड न्यू की ऑप्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऐड न्यू यूज़र का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम उस यूज़र की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे मैं उसके लिए कोई यूज़र नेम चूज़ करता हूँ, यहाँ पर उसकी ई मेल फिल कर देता हूँ, और यहाँ पर उसका फर्स्ट नेम, और यहाँ पर लास्ट नेम, और यहाँ पर उसकी वेबसाइट का लिंक अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो। यहाँ पे उसके लिए पासवर्ड सेट कर देता हूँ, यहाँ पे टिक कर देता हूँ कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, और ये ऑप्शन है सेंड यूज़र नोटिफिकेशन कि ये जो मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ उसका यूज़र नेम और उसका पासवर्ड उसे ईमेल में उसकी सेंड हो जाए। तो अगर तो आप उस यूज़र को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अकाउंट क्रिएट कर दिया है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ये है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, अदरवाइज अनटिक कर दें। और उसके बाद लास्ट की ऑप्शन है जो हमारे पास यूज़र क्रिएट करते वक्त, वो है रोल की। जब हम न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ये रोल की ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर हम जो न्यू यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उसे एक रोल असाइन करते हैं। वर्डप्रेस में हमारे पास 5 तरह के रोल्स हैं, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी सिस्टम का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं उस सिस्टम को हैंडल करने के। इसी तरह से वर्डप्रेस के अंदर भी अगर हम किसी यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं तो उसके पास वेबसाइट को मैनेज करने के सारे राइट्स होते हैं, मींस वो सारी की सारी ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है। मींस वो किसी पेज को क्रिएट कर सकता है, किसी पेजेस को डिलीट कर सकता है, किसी पोस्ट में छेड़खानी कर सकता है, या हमारी वेबसाइट की थीम को चेंज कर सकता है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम जो न्यू यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उसे कौन सा रोल असाइन करें, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही पता है कि जिस यूज़र के लिए मैं ये अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर तो हमें उस यूज़र पे पूरा विश्वास है तो हम उसे एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, वो यूज़र विश्वास के लायक नहीं है, तो हम इन बाकी 4 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन टिक कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम रोल के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यू यूज़र को रोल असाइन करते हैं। इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाकर पूरी डिटेल में बताऊंगा कि इन रोल्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो मैं इस यूज़र को रोल असाइन कर देता हूँ सब्सक्राइबर, और ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, इस यूज़र की लिस्ट में मेरे पास एक यूज़र क्रिएट हो चुका है जिसका यूज़र नेम ये है, नेम ये, ईमेल ये, और उसका रोल सब्सक्राइबर। तो अब मैं आपको इस यूज़र के थ्रू अपनी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके बताता हूँ। उसके लिए या तो आप किसी और ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला फायरफॉक्स, लेकिन मैं क्रोम पे ही एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं सेटिंग में जाकर ये न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N। ऐसे हमारे क्रोम के अंदर हिडन मोड में एक विंडो ओपन हो जाती है जिसके अंदर किसी भी तरह की हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती। मैं यहाँ पर इस विंडो को ओपन करता हूँ और सबसे पहले अपनी वेबसाइट को असेस करता हूँ। तो मेरी वेबसाइट है ये, मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ इसलिए मेरी वेबसाइट का एड्रेस ये है localhost/jpweb, और अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। तो वर्डप्रेस में हम लॉगिन कैसे करते हैं? वेबसाइट के बाद
wp-admin और एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अब उस यूज़र के थ्रू लॉगिन करता हूँ। तो उसका यूज़र नेम हमने रखा था भजन और पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया है और उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखिए, एक तरफ मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉग इन हूँ और दूसरी तरफ अपने सब्सक्राइबर अकाउंट के थ्रू लॉग इन हूँ। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे सिर्फ कुछ ही ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर डैशबोर्ड, प्रोफाइल और कोलैप्स मेन्यू, ये तीन ऑप्शंस ही नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के रोल्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर थे, इन सभी की अलग अलग ऑप्शंस होती हैं। जैसा यहाँ पे आपने देखा, एडमिन के अंदर सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सब्सक्राइबर अकाउंट के अंदर सिर्फ उसकी प्रोफाइल को चेंजेस करने की ऑप्शंस हैं। तो इस तरह से हम वर्डप्रेस के अंदर यूज़र क्रिएट करते हैं और उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि तुम सिर्फ ये काम कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ सब्सक्राइबर अकाउंट क्रिएट करके बताया है, बाकी जो अकाउंट्स हैं कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे अलग अलग रोल्स हैं। अब मैं आपको इन रोल्स के बारे में डिटेल में बताता हूँ कि अगर आप किसी यूज़र को एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट में क्या क्या एक्सेस कर सकता है, अगर आप उसे कंट्रीब्यूटर बनाते हैं तो वो हमारी वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस कर सकता है, और इसी तरह से ऑथर और एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ इन रोल्स के बारे में। अब आपको आपकी स्क्रीन पे यूज़र रोल्स नज़र आ रहे होंगे जो हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर हमारे पास पांच तरह के रोल्स होते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो फर्स्ट है सब्सक्राइबर, फिर कंट्रीब्यूटर, फिर ऑथर, फिर एडिटर और फिर एडमिनिस्ट्रेटर। जब हम किसी यूज़र को कोई रोल असाइन करते हैं तो वो अपने रोल के हिसाब से हमारी वेबसाइट में काम कर सकेगा। इस स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको सिर्फ ये शो करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी यूज़र को ऑथर बनाएंगे तो उसे कौन कौन सी ऑप्शन नज़र आएंगी, अगर आप किसी को एडिटर बनाएंगे तो उसे कौन कौन सी ऑप्शन नज़र आएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट ऑप्शन से, जो है सब्सक्राइबर। जब आप किसी यूज़र को सब्सक्राइबर रोल असाइन करते हैं तो उसे सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आती है, वो है प्रोफाइल की। मीन्स वो हमारी वेबसाइट पर अपने अकाउंट से लॉग इन करके सिर्फ अपनी प्रोफाइल वगैरह में चेंजेस कर सकता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो वो है कंट्रीब्यूटर। जब हम किसी यूज़र को ये रोल असाइन करते हैं तो उसे प्रोफाइल के अलावा पोस्ट, कमेंट्स और टूल्स, ये तीन ऑप्शंस भी नज़र आती हैं। तो इन ऑप्शन से वो हमारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट सबमिट कर सकता है और कमेंट सबमिट कर सकता है। यहाँ मैंने पब्लिश की जगह सबमिट इसलिए बोला क्योंकि कंट्रीब्यूटर जब हमारी वेबसाइट में पोस्ट करता है तो वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं कर सकता। वो जब पोस्ट करेगा उसे सबमिट फॉर रिव्यू की ऑप्शन नज़र आएगी, जिसके बाद वो पोस्ट एडमिन के पेंडिंग सेक्शन में जाएगी, जहाँ से वो देखेगा कि ये पोस्ट हमारी वेबसाइट पे पब्लिश करने वाली है या नहीं। अगर तो उसे लगता है कि ये पोस्ट अच्छी है और मैं अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना चाहता हूँ तो वो उस पोस्ट को पब्लिश कर देगा, अदरवाइज उसे डिलीट कर देगा। इसी तरह से कमेंट का भी है, अगर एडमिन उस कमेंट को पब्लिश करना चाहेगा तो उसे अप्रूव कर देगा, अदरवाइज उसे डिलीट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑथर की। जब हम किसी यूज़र को ऑथर रोल असाइन करते हैं तो उसे बाकी ऑप्शंस के अलावा एक मीडिया की ऑप्शन भी नज़र आती है। इसका मतलब है कि वो पोस्ट और कमेंट्स तो पब्लिश कर सकता है, उसके साथ ही वो पोस्ट के अंदर मीडिया को भी यूज़ कर सकता है। मीडिया का मतलब यहाँ पे इमेजेस, वीडियोस या ऑडियोज़। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रीब्यूटर अगर कोई पोस्ट करेगा तो उसे सबसे पहले सबमिट करने पड़ेगी, लेकिन ऑथर में ऐसा नहीं है, वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट या कमेंट्स पब्लिश कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास एडिटर। अगर हम किसी यूज़र को ये रोल असाइन करते हैं तो वो बिल्कुल ऑथर की तरह हमारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट और कमेंट्स को पब्लिश कर सकता है और उसमें मीडिया भी यूज़ कर सकता है। लेकिन एडिटर को एक और ऑप्शन मिलती है जो है पेजेस की, मीन्स कि वो हमारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट, मीडिया और कमेंट्स के अलावा हमारी वेबसाइट में पेजेस में भी छेड़खानी कर सकता है। मीन्स वो न्यू पेजेस को ऐड कर सकता है, पुराने पेजेस को एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है, ये सारी अथॉरिटीज़ एडिटर के पास होती हैं। लेकिन बाकी यूज़र्स, कंट्रीब्यूटर और ऑथर, उनके पास पेजेस को देखने की भी ऑप्शन नहीं होती। उसके बाद लास्ट में है एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें तो किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम जिस भी यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे
वो हमारी वेबसाइट की सारी ऑप्शंस को यूज़ कर सकता है, हमारे पोस्ट, पेजेस, मीडिया, कमेंट्स, यहाँ तक कि अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स, सेटिंग, ये सारी ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं जो एडिटर सेक्शन में नहीं थी। इसका मतलब कि अगर हम किसी यूज़र को एडिटर बनाएंगे तो वो हमारी वेबसाइट की थीम चेंज नहीं कर सकता है, उसमें कोई प्लगइन इंस्टॉल या अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है और उसके अंदर किसी तरह की कोई सेटिंग को भी नहीं छेड़ सकता। तो इस तरह से हम जब वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर न्यू यूज़र क्रिएट करते हैं तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कोई रोल असाइन करते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने आपको एक एक करके बताया कि आप किस यूज़र को कौन सी अथॉरिटी देना चाहते हैं, कौन सी अथॉरिटीज़ नहीं देना चाहते। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम यूज़र क्यों क्रिएट करते हैं, उसके बाद मैंने आपको एक यूज़र क्रिएट करके बताया और उसके बाद यूज़र क्रिएट करते वक्त हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी रोल, उसके बारे में मैंने आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि किस यूज़र रोल को कौन कौन सी ऑप्शंस नज़र आती हैं। लेकिन अब मैं आपको उनका प्रैक्टिकल करके बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको तो बता दिया कि कंट्रीब्यूटर सिर्फ हमारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट को सबमिट कर सकता है लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता, तो मैं इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली करके बताना चाहता हूं कि ये कैसे काम करती हैं। तो ये जो मैंने अकाउंट बनाया था सब्सक्राइबर का, इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर मेरे पास सिर्फ प्रोफाइल की ऑप्शन है जिसमें मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करके अपडेट कर सकता हूं। अब मैं इस यूज़र को कंट्रीब्यूटर बनाता हूं, तो मैं अपने एडमिन पैनल में जाकर यहां पे ये यूज़र है, मैं ऑल यूज़र पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये यूज़र्स की लिस्ट आएगी, उसमें से ये मेरा यूज़र है जो मैंने क्रिएट किया है सब्सक्राइबर। मैं इसे एडिट पे क्लिक करके इसका रोल चेंज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे स्क्रॉल करके रोल के अंदर मैं इसे सब्सक्राइबर से कंट्रीब्यूटर बना देता हूं और यहां पे यूज़र अपडेट कर देता हूं। अब मेरा यूज़र अपडेट हो चुका है, अब मैं यहां पे आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूं। ये देखिए वो सब्सक्राइबर का अकाउंट अब कंट्रीब्यूटर हो चुका है, तो उसके पास पोस्ट और कमेंट्स की भी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं प्रोफाइल्स के अलावा। तो अब ये यूज़र हमारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट और कमेंट्स को पब्लिश कर पाएगा, तो मैं यहाँ पे पोस्ट के अंदर एड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक पोस्ट सबमिट करके देखता हूँ, फर्स्ट पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटर, और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। और ये देखिए पब्लिश की जगह पे अब हमारे पास सबमिट फॉर रिव्यू की ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरी पोस्ट आ चुकी है लेकिन पेंडिंग की पोजिशन में। अब मैं यहाँ पर वेबसाइट पर जाता हूँ, मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि अभी तक ये पोस्ट पेंडिंग है तो हमारी वेबसाइट पे ये पोस्ट शो नहीं हुई होगी। ये देखें हमारी वेबसाइट के अंदर रीसेंट पोस्ट में अभी तक वो पोस्ट नहीं आई है। तो अब मैं एडमिन पैनल में लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ ऑल पोस्ट पे, तो ये देखें ये पोस्ट आ चुकी है पेंडिंग की पोजिशन में। अब एडमिन यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेगा और इस पोस्ट को देखेगा, अगर तो उसे सही लगती है तो ये इसे पब्लिश कर देगा। अब ऑल पोस्ट पे देखिए यहाँ पे इसका पेंडिंग हट चुका है और हमारी वेबसाइट पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब वो पोस्ट रीसेंट पोस्ट के अंदर ये देखिए नज़र आ रही है, जिसका टाइटल मैंने सेट किया था फर्स्ट पोस्ट बाय कंट्रीब्यूटर। तो इस तरह से जब हम किसी यूज़र को कंट्रीब्यूटर बनाते हैं, यहाँ पे अभी भी पेंडिंग नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया, ये देखिए। तो इस तरह से जब हम किसी यूज़र को कंट्रीब्यूटर बनाते हैं तो वो हमारी वेबसाइट के अंदर पोस्ट को सबमिट करता है लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता। जिस तरह से पोस्ट का है उसी तरह से यहाँ पर कमेंट्स का भी है, आप कमेंट किसी पोस्ट पर कर सकते हैं लेकिन उसे डायरेक्टली पब्लिश नहीं कर सकते, उस कमेंट को एडमिन ही पब्लिश करेगा जैसा मैंने आपको पोस्ट में करके बताया। अब हम दोबारा अपने एडमिन पैनल में जाते हैं, ऑल यूज़र पे क्लिक करते हैं और उस यूज़र को अब मैं कोई और रोल असाइन करता हूँ। यूज़र को रोल असाइन करने के लिए मैं यूज़र के आगे इस पे टिक कर देता हूँ और यहाँ से भी रोल को चेंज कर सकता हूँ। तो पहले मैंने आपको सब्सक्राइबर के बारे में बता दिया, फिर कंट्रीब्यूटर, अब मैं इसे ऑथर बनाता हूँ और यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ये यूज़र ऑथर बन चुका है। अब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे ऑथर की ऑप्शंस नज़र आएंगी। तो जैसा मैंने आपको स्क्रीनशॉट में बताया था, ऑथर अकाउंट में हमारे पास पोस्ट और कमेंट्स के अलावा हमारे पास मीडिया की भी ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं जिसमें हम मीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑथर में एक बात और है
जो कंट्रीब्यूटर में नहीं थी, इसमें हम डायरेक्टली पोस्ट को पब्लिश भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे कोई पोस्ट करता हूँ, फर्स्ट पोस्ट बाय ऑथर, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू नहीं आ रहा है, डायरेक्टली पब्लिश की ऑप्शन नज़र आ रही है, मींस ऑथर हमारी वेबसाइट के अंदर डायरेक्ट पब्लिश कर सकता है। और यहाँ पे मेरे पास ऐड मीडिया के भी ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मीडिया की ऑप्शन अवेलेबल हो चुकी है जो कंट्रीब्यूटर अकाउंट में नहीं थी। अब मैं यहाँ से कोई इमेज भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से कोई भी इमेज को यूज़ करता हूँ और इसे इंसर्ट टू पोस्ट कर देता हूँ और पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं रीसेंट पोस्ट में हमारी ये पोस्ट आ चुकी है या नहीं। तो ये देखिए वो पोस्ट आ चुकी है जिसका मैंने टाइटल दिया है फर्स्ट पोस्ट बाय ऑथर, हमारी वेबसाइट पे ये डायरेक्टली पब्लिश हो चुकी है। अब मैं अपने एडमिन पैनल में दोबारा जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन पे, और इस यूज़र को एडिट करके मैं एडिटर बनाता हूँ और इसका रोल चेंज कर देता हूँ। अब देखिए ये यूज़र अब एडिटर बन चुका है। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास कुछ और ऑप्शंस नज़र आएंगी। मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ तो अब देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन आ चुकी है। जब मैंने इस यूज़र को एडिटर बनाया वो ऑप्शन है पेजेस की, मींस एडिटर और ऑथर में सिर्फ यही फ़र्क है कि ऑथर को पेजेस की ऑप्शन नज़र नहीं आती है और एडिटर को ये ऑप्शन नज़र आती है। तो पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स, प्रोफाइल, बाकी सारा काम वही है, इसमें हम पेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सारे पेजेस आ चुके हैं। मैं इनमें से किसी भी पेजेस को एडिट कर सकता हूँ या उसे डिलीट कर सकता हूँ या व्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शंस हैं पोस्ट, मीडिया, पेजेस और कमेंट्स की। अगर मैं कोई थीम चेंज करना चाहता हूँ या अपनी वेबसाइट के अंदर कोई न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वो चीज़ें एडिटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास ये ऑप्शंस नज़र ही नहीं आ रही हैं। तो वो कौन सा यूज़र है जो ये सारी चीज़ें कर सकता है, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब मैं एडमिन पैनल में जाकर यहाँ पे इस यूज़र को एडमिनिस्ट्रेटर बना देता हूँ और यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अब ये यूज़र भी एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो अब आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटर की सारी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब ये यूज़र हमारी थीम को चेंज कर सकता है, हमारी वेबसाइट की थीम को कस्टमाइज़ कर सकता है, उसमें विजेट्स ऐड कर सकता है, मेन्यू क्रिएट कर सकता है या मेन्यू में चेंजेस कर सकता है, प्लगइन्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकता है, यूज़र्स क्रिएट कर सकता है, मींस वो सारी चीज़ें कर सकता है जो एक एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो ये था वर्डप्रेस के अंदर यूज़र्स के बारे में और उनके रोल्स के बारे में, और लास्ट में मैंने आपको उन सभी रोल्स का प्रैक्टिकली भी करके बता दिया। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप मेरे फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं ताकि अगर आपको मैसेज छोड़ना है तो आप फेसबुक में भी छोड़ सकें। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं अपने आप को परफेक्ट तो नहीं कहता, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ उस चीज़ को समझने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ईमेल, फेसबुक पेज सारी तरह से मेरे साथ कनेक्ट रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।